नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूं कि आप हेल्दी और फिट हैं। चलिए ये नेक्स्ट वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, एक सही दृष्टिकोण। देखने में ये बहुत भारी भरकम शब्द लगता है, पर आज मैं आपको ऐसे पांच सिंपल चीजें बताऊंगा जो आप रोजाना कर सकते हैं, जिसके ऊपर से आप एक अच्छा सही दृष्टिकोण आपके जीवन में ला सकते हैं। ये एक आपकी अच्छे हेल्थ का राज हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहला फैक्टर है, आपको ऐसे पांच लोगों के साथ रहना है जो एक सही दृष्टिकोण रख सकते हैं, जिनको जिनसे आप प्रेरित होते हैं। तो सबसे पहला एक्सरसाइज आपको क्या करना है, आप जिनके साथ सबसे ज्यादा रहते हैं ऐसे पांच लोगों के बारे में लिखें और जानिए कि ये सही दृष्टिकोण रखते हैं कि अगर नहीं है तो इट्स टाइम टू हैव सम न्यू फ्रेंड्स। चलिए दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, बुक्स, है ना। मैंने एक ब्लॉग लिखा है, ब्लॉग की लिंक नीचे दी है, उसमें कुछ बुक्स के बारे में भी मैंने रिकमेंडेशन दी है। तो ये किताबें क्या कर सकती है आपको, रोज अगर पांच पेजेस भी आप पढ़ लेते हैं तो ये आपको एक ज्ञान का भंडार ला सकती है। एक साल में करीब करीब आप 12 बुक्स पढ़ लेते हैं। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक अच्छी पॉजिटिव चीज हमेशा के लिए जाएगी। तीसरी चीज के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी ध्यान। अब ये भी शब्द थोड़ा सा भारी भरकम लगता है, बट सिंपल चीज करनी है आपको। या तो आप आंखें बंद करके आपके ब्रीथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो श्वास श्वास है उसको ऑब्जर्व करें, या फिर दूसरी चीज है आप आपके विचारों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये 5 मिनट में करके देखिए, रोज 5 मिनट करें और आपको आपके दिमाग को बहुत अच्छा सुकून मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। चौथी चीज के बारे में बात करते हैं दोस्तों, वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमें जिनसे भी प्रेरणा मिली है, जिनसे भी फायदा मिला है, उनके बारे में हमेशा थैंकफुल रहे, है ना। इसको आप नोटबुक में लिख सकते हैं या फिर मन में भी दोहरा सकते हैं, बट रोज अगर इसको करेंगे तो इसका फायदा लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा होगा। पांचवी चीज है फॉरगिव एंड फॉरगेट। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे परिस्थितियां रही होगी, लोग आए होंगे जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं कठिनाइयां दी होगी, ऐसे लोगों को या तो आप लिखकर माफी मांग सकते हैं, इन पर्सन माफी मांग सकते हैं, या फिर मन में भी दोहरा सकते हैं और इन्हें हमेशा के लिए भूल जाए, ना कि उनके लिए बट अपने आप के लिए भी, जो आपकी एक बेहतर जिंदगी है उसको एक अच्छा चीज करने के लिए। तो ये 5 चीजें रोजाना करें और मुझे कमेंट में भी लिखें कि आप 5 चीजें करने के बाद क्या आपको फायदा हो रहा है। और जैसे मैंने कहा, ब्लॉग भी आप जरूर पढ़ लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाइए। सो थैंक यू गाइज़।